ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली की बड़ी रामलीला कमेटियों में शुमार अशोक विहार फेज वन की रामलीला का मंचन हमेशा से ही रोचक होता है। शानदार साजो सज्जा और विशाल एलईडी और भव्य मंच पर कलाकार जब रामायण के पात्रों को जीवंत करते हैं तो लोग भारी संख्या में खींचे चले आते हैं। यही तो खास बात है अशोक विहार फेज वन की रामलीला की। अक्टूबर को जब रामलीला का शुभारंभ हुआ तो अशोक विहार की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने इसमें शिरकत की। इस बार भी रामलीला में अशोक विहार फेज वन रामलीला कमेटी के सभी सदस्य पूरे भाव और मन से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे। मंच के उद्घाटन के साथ ही आरंभ हुई भव्य रामलीला। मंच पर समाज के गणमान्य लोगों का आभार प्रकट किया गया और गणेश वंदना की गई। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि मुझे आप लाकर मान सम्मान सम्मानित करने के लिए, प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आए सभी राम भक्तों को नवरात्रों की भेंट में रामलीला के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी दल और सभी राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो आप अलील जी ने, अलील जी ने टीम की सारी टीम है, इसका भव पंडाल पहली बार देख रहे हैं आप सर्वदा बधाई के पात्र हैं। आज बहुत ही मार्मिक दृश्य है, आज सीधा सर्वदा दृश्य है, आप उसका बहुत दिखाएंगे। लोगों की भीड़ बता रही थी कि अभी भी लोग अपने व्यस्त जीवन में से भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करने की इच्छा रखते हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। ये अविस्मरणीय था। सीता माता का स्वयंवर लगा, कई देशों के राजाओं ने शिरकत की और उसके बाद वो दृश्य उत्पन्न हुआ जब भगवान श्री राम किसी से ना उठने वाले धनुष को फूलों के हार की भांति उठा लेते हैं और दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। जिस प्रकार से सुंदर दृश्य को उसके बाद शानदार साउंड क्वालिटी में ललकारती हुई आवाजों की गर्जना के साथ शुरू हुआ लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आइए क्यों ना हम भी निहाल लेते हैं अशोक विहार फेज वन की रामलीला के कुछ मुख्य दृश्य। नहीं मानते ना तो इस बात।
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ये अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं, जिस पर वो दया ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम सेवक सो तो करे सेवकाई, अरी करनी कर करी राई। सुनो राम, सुनो राम, तेरी शिव धनुष तोड़ा सहस बार संसो है तू मेरा, सो बिन गाय निहाई समाजा, सब मारे गई है सब राजा। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस पसे का भोजन है। हे राम, बड़ा है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, निर्गा है चोर की दाढ़ी। स्वामी, स्वामी सुखा संवाद कभी दुखा कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तो दब झेल ले आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे रंगे को देखे तो कोलू में फेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे और इन्हीं दृश्यों के साथ संपन्न हुई अशोक विहार फेज वन की 12 अक्टूबर की रामलीला। अगले अंक में होगी आपसे फिर मुलाकात। जय श्री राम। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए विजय चौधरी और उत्तम नेगी के साथ ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर